हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट सिंधु सागर और आज हम बात करेंगे सामने खड़ी हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। दोस्तों ये खड़ा है अर्टिगा का सीएनजी मॉडल। सीएनजी में अर्टिगा आपको दो वेरिएंट में मिलती है, एक तो मिलता है आपका वीएक्सआई ऑप्शनल और एक मिलता है जेडएक्सआई ऑप्शनल। ये जो अभी खड़ा है ये खड़ा है इसका वीएक्सआई ऑप्शनल, जो कि कह सकते हैं इसका बेस मॉडल भी है। बात करूँ देखो एक्शोरूम प्राइस की, तो भाई प्राइस बहुत अच्छा है। एक सेवन सीटर के हिसाब से 10.73 लाख आपको एक शोरूम प्राइस मिलता है, तो कमाल का प्राइस है। तो आप देख सकते हो ऑन रोड जाते जाते लगभग आपको ये 12 लाख के अंदर अंदर जो है ये पड़ने वाली, तो है ये बहुत बढ़िया चीज़। अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस चलाना तो भाई ये अर्टिगा ना आपको पैसा भी कमा के देगी, बिकॉज ये जो है आप कमर्शियल में, आपको पता है कि अर्टिगा जो है काफ़ी ज़्यादा बिकती है। कमर्शियल में चला लो, आप इसको पर्सनल में चला लो, ये अर्टिगा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बचत करके देने वाली है। अब बात कर लें भाई, ये जो है ना ये आपको बताऊँ ये नई वाली अर्टिगा है, 2023 का नया मॉडल है। इसमें नया क्या है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो भाई डीकल देख लो, ये आ गया भाई सीएनजी, और जो अच्छी चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ इसके साइड में जाके, क्योंकि अब जो है अर्टिगा हो चुकी है E20 फ्यूल के साथ कंपैटिबल। मतलब अब आपको जो है इथेनॉल बेस जो है इसके अंदर फ्यूल डाल सकते हैं। E20 मतलब 20% इथेनॉल रहेगा और बाकी जो है आपका पेट्रोल रहने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। मारुति की अगर आप कोई भी गाड़ी उठा लो अब वो आपको E20 फ्यूल के साथ ही मिलने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लगे हाथ आप देखिए, यहाँ पर आपको CNG वॉल्व जो है वो भी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, तो ये भी सही चीज़ है। प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से यहाँ पर की गई है, एकदम छुप सा जाता है जो पता नहीं चलता। तो ये रहा, बाकी अब चलते हैं इसके डायमेंशंस वगैरह की तरफ। तो भाई डायमेंशंस में ये गाड़ी की चौड़ाई जो है ना ये आपको मिलती है 1735 mm की चौड़ाई है, तो भाई गाड़ी जो है आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। वहीं पे बात कर लें इसकी लेंथ की, तो 4395 mm की आपको लेंथ मिल रही है, जिसकी वजह से इसका जो व्हील बेस वगैरह है आपको बहुत ही सही मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 180 mm की। बाकी ये रहा इसका साइड लुक जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, कट्स एंड क्रीजेस भी आप देख रहे हो शोल्डर लाइन पे और नीचे जो है आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। अगर नीचे देखें तो यहां पे टायर साइज जो है आपको 15 इंच का मिल रहा है, 185/65R15। फ्रंट में डिस्क आ गई, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो है व्हील कैप मिलती हैं जो कि फिलहाल अभी अंदर रखी हुई हैं। बाकी टायर साइज़ आपको डिसेंट देखने को मिल रहा है। अलॉय व्हील का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा। देखो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में सारी चीज़ें नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो OEMs पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं LED के अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल में यहाँ पर देखने की आदत है और ये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दिस इज़ गुड। ए पिलर आपका बॉडी कलर्ड है, ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिल रहा है, शार्क फिन नहीं है। ग्लास एरिया में आपको कभी कमी नहीं मिलेगी, बहुत ही बड़ा ग्लास एरिया है। बी पिलर ब्लैक्ड आउट है, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। एंड ये देखो भाई पीछे वाला ग्लास एरिया सीरियसली बहुत ही बड़ा है एंड अच्छा खासा है। क्वाड ग्लास पैनल है, तो अंदर आपको कैबिन में बिल्कुल एरी एरी वाला जो फील है वो चीज़ आपको मिलेगी, है कमाल की चीज़। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, एंड वहीं पर आपका CNG का भी जो है इसका टैंक भी दिखा देंगे। तो ये देखो भाई पीछे का लुक, पीछे का लुक ना आपको ये एकदम वॉल्वो वाली याद कराएगा, वॉल्वो से इंस्पायर कह सकते हो, बट डिज़ाइन जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है। पहले वाली अर्टिगा आती थी ना बहुत ही सिंपल आई थी जब अर्टिगा स्टार्ट हुई थी, बट अब जो डिज़ाइन है ये देखो आप, बहुत ही तरीके से जो है यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, LED का काम है, हैलोजन का काम मिल जाता है, एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है इस गाड़ी में। डिफॉगर वाइपर नहीं मिल रहा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, यहाँ पे डीकल मिल जाता है CNG का, बीच में आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है। नीचे आपको कोई भी कैमरा नहीं मिल रहा, पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलते हैं, ये भी सही चीज़ है। बाकी अर्टिगा की ब्रांडिंग है, वेरियंट की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती। यहाँ से अगर खोलें तो ये देखो आराम से आप इसको खोल सकते हैं, ऊपर आपको कवरिंग भी मिल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी होगी, वायर्स वगैरह आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। अब देखो भाई CNG टैंक कहाँ है आप बताओ, भाई कहीं नहीं दिख रहा ना भाई। CNG टैंक है वो है इसके नीचे, ये पर्दे को उठाना पड़ता है, और ये देखो भैया घूंघट उठाया और जो है यहाँ पे CNG टैंक जो है आपको दिख जाता है। ये रहा इसका CNG टैंक, बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट है। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर CNG लगी हुई है। स्पेस आपको उसके बाद भी अच्छा खासा ऊपर देखने को मिलता है। नीचे अगर देखें CNG टैंक, तो यहाँ पे 60 लीटर के जो है इसकी वाटर कैपेसिटी है, और अगर प्रेशर जो है आपका CNG का अच्छा खासा होगा पेट्रोल पंप पे, तो लगभग 8.5-9 किलो जो है आपकी गैस इसके अंदर इजी आ जाएगी, और एवरेज आपको पता है क्या ही कमाल की देगी। स्पेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही मिलता है, और फिलहाल यहाँ पे आप कुछ रखने भी नहीं वाले, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं। और साइड में आपको यहाँ पे कोई भी हुक्स और कोई लाइट नहीं मिलती। अच्छी चीज़ है कि जो पीछे वाली रियर एंड की जो सीट्स हैं उसको आप आराम से यूँ करके पूरा का पूरा फोल्ड कर सकते हो नीचे, तो एकदम फ्लैट बेड बन जाएगा। साथ ही अगर इसको रिक्लाइन करना है तो पीछे आप रिक्लाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर रिक्लाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस पीछे के लगेज का थोड़ा सा कम हो जाएगा।
फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ अच्छी है कि भाई स्पेस मिल गया सीएनजी टैंक के बावजूद भी। तो ये चीज़ मुझे जो है पर्सनली अच्छी लगी। यहाँ ग्रैब करने के लिए आपको मिलता है एक यहाँ पे, और इसको यहाँ से करते हैं बंद। तो ऐसा रहा, अब चलते हैं भाई इसके ड्राइवर डोर की तरफ। देखो भाई ये रहा कुछ इसका ऐसा डोर। तो भाई कहीं से भी बेस मॉडल तो लगी नहीं रहा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है या हार्ड प्लास्टिक, सब कुछ हार्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचरी एलिमेंट है ये देखो, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। यहाँ पे थोड़े से आपको सेफ्टी मेजर्स लिखे हुए हैं। ये रहे इसके ओआरवीएम के स्विच, और इसको आप फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्रोम का यहाँ पे आपको जो है डोर हैंडल मिल जाता है। ये सारे के सारे पावर विंडोज़ हैं, और ड्राइवर साइड जो है वन टच ऑटो डाउन एंड वन टच ऑटो आपके साथ मिल जाती है। नीचे आपको स्पीकर की ग्रिल है, यहाँ स्पेस मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी एज सच बेस मॉडल वाला तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, और ऐसा कुछ जो है कैबिन रहने वाला है। पहले होती थी अर्टिका जो आती थी पूरी ब्लैक ब्लैक होती थी, बट अब जो है ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये रहा, बाकी अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, फैब्रिक अपोस्ट्री है, और ये जो ब्लॉशेस आप देख रहे हैं ये भी आपको अच्छे खासे यहाँ साइड में कुशनिंग देने वाले हैं। बड़ा सा आपको हेडरेस आ जाता है साइड में। ये जो स्विच है यहाँ से आप इसको पेट्रोल और सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, हेडलाइट का लेवलर आ जाता है, बाकी चीज़ें अंदर बैठ के आपको दिखाऊंगा। एबीसी पैडल, और साथ में अच्छी चीज़ है कि डेड पैडल भी मिलता है। अब बैठते हैं भाई अंदर, और ये देखो फील गाड़ी का। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए लगाते हैं इसकी चाबी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो चाबी आपको वही बेसिक सी मिलती है, लॉक अनलॉक है, इसमें क्या ही बताना, कुछ ऐसा खास तो है नहीं। फिलहाल इसको लगाते हैं और चालू करके इसकी वाइब्रेशन जो है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये देखो पेट्रोल में ये गाड़ी स्टार्ट होगी, बाद में जो है आप इसको सीएनजी में शिफ्ट कर सकते हो इस नॉब को दबाते हो। फिलहाल तो अभी पेट्रोल का आप देख रहे हो ये ब्लिंक हो रहा है, और ऐसा जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दो तरफ एनालॉग है, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर जो है आपको एनालॉग मिल रहा है, बीच में आपको अच्छी खासी स्क्रीन है। और ये देखो ये अब आपका सीएनजी में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर मैं बटन को दबाता हूँ तो ये देखो ये पेट्रोल में आ गया, इसी को अगर दबाया तो सीएनजी में आ गया। सब सिर्फ बटन दबाते ही जो है सेकंड में नहीं लगते जो ये एकदम शिफ्ट हो जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपको सीएनजी का ही आपको दिख रहा होगा कितनी सीएनजी है, और यहाँ पे फ्यूल का जो है आपको लेवल दिख रहा है। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है इस डंडी के थ्रू ना आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ सब कुछ आपको दिखेगा। एंड जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये रहा इसका स्टेयरिंग व्हील, डी कट स्टाइल में मिलता है तो ये चीज़ अच्छी है, लेदर रैप नहीं है। कंट्रोल्स आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के मिल रहे हैं, इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह तो फिलहाल नहीं है, और अच्छा खासा लगता है भाई होल्ड करने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे के सारे वॉइस कमांड के कंट्रोल्स हैं, कॉल को पिक करना ड्रॉप करना, और यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। ये रहे इसके वाइपर के कंट्रोल्स जो कि कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ना ही जो आपके लाइट्स के कंट्रोल हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। और यहाँ पे गाइज आपको ये टू डिन वाला जो है सिस्टम मिल जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट अच्छी चीज़ है, चलो मिल जाता है। और आपको साथ में ब्लूटूथ वगैरह का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है, तो डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस जो है म्यूज़िक का आपको नॉर्मली होगा। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एसी यूनिट मिल रहा है, मैनुअल है। नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी ऑक्स, और साथ में स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे एसी वेंट जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी चिल्ड वाली चीज़ आप रखना चाहते हैं भाई, जिसको चिल्ड करके आप पीना चाहेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, रिवर्स में आपको जो है पार्किंग सेंसर मिलते हैं। आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा भाई, बस यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आ गया। ग्लव बॉक्स जो है आपको डिसेंट साइज का है, कोल्ड नहीं है ये चीज़। बाकी डिज़ाइन आप देख रहे हो यहाँ का, अंदर प्लास्टिक है सब कुछ, हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा। एयरबैग्स की बात की जाए तो भाई दो एयरबैग्स जो है आपको इसमें मिलते हैं। तो ये रहा इसका IRVM, मैनुअली एडजस्टेबल। ऊपर आपको नॉर्मल हाइलोजन वाली लाइट मिल गई, स्पीकर मिल जाते हैं वॉइस कमांड के लिए, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर आ गया, और ये रहा इसका वैनिटी मिरर। साथ ही यहाँ पर ग्रैब करने के लिए आपको जो है हैंडल मिल जाता है, तो ऐसा रहा। बाकी थोड़ा सा आपको ये स्टाइल का दिखेगा, यहाँ पे जो है इसका एसी वेंट है रियर वाले, तो इसीलिए आपको जो है ये चीज़ आपको ऐसी नज़र आ रही होगी। तो फिलहाल आगे का एक्सपीरियंस अच्छा है एंड कंफर्ट है, आगे की सीट में कुशनिंग वगैरह आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो कमाल का रहा यहाँ का आगे का एक्सपीरियंस। अब चलते हैं सेकेंड रो पे और वहाँ का भी जो है चेकआउट करते हैं, फीचर्स वगैरह कितना कुछ जो है मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में। पहले तो आप देखो डोर कितना बड़ा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि डोर साइज़ आपको बड़ा मिलता है। अंदर जाना और उतरने में आपको एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी सारा हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिलते हैं। यहाँ पे क्रोम का काम मिल गया।
नीचे स्पेस मिल जाता है वाटर बॉटल का, साथ ही स्पीकर की ग्रिल मिल रही है। तो ऐसा कुछ रहा इसमें दोस्तों। अब आपको सेफ्टी मेजर्स भी मिल रहे हैं, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल जो देखा पहले नहीं आता था अब आपको मिलने लगा है, ये चीज़ है। बाकी कुछ टाइम बाद जो है आपको इस गाड़ी में 4 एयरबैग्स जो हैं देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ बहुत सही है। बाकी ये देखो स्पेस, ऐसा कुछ जो है स्पेस मिलने वाला है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा खासा है यार। ये देखो मतलब आगे वाली सीट को मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, उसके बाद स्पेस में कोई भी एज सच आपको दिक्कत नहीं आएगी। रियर एसी वेंट देखो भाई कितने अच्छे से प्लेस किए हुए हैं ऊपर, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे करते हैं ना तो हवा जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है, यहाँ पे आपको 4 जो है ये वेंट्स मिलते हैं, तो अपने हिसाब से कोई इस तरफ कर लो, कोई इस तरफ कर लो, कोई ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ से स्पीड वगैरह जो है इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे जो है अर्टिगा की काफ़ी अच्छी लगती है। स्पेस में कमी नहीं है, यहाँ पर कुशनिंग वगैरह डिसेंट आपको जो है यहाँ पर अंडर थाई कम्फर्ट मिल जाता है, तो ऐसा कुछ रहा। बाकी यहाँ पर 60-40 स्प्लिट मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल आ गए, और ये देखो आप यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल रहा है, एक बार आपको खोल के दिखाऊंगा पूरा। तो ये देखो कप होल्डर्स नहीं है बट आर्मरेस्ट आपको मिलता है, तो ये चीज़ अच्छी होगी। और 60-40 स्प्लिट है तो अपने हिसाब से जो है आप इसको डाउन करें और पीछे जाके आप आराम से बैठ सकते हैं। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया था ये इसके रखे हुए हैं यहाँ पर व्हील कैप्स, जो कि अभी फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं है। अगर पीछे देखें तो यहाँ पे आपको 50-50 का जो है स्प्लिट मिल रहा है, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी पीछे जो है आप इसकी आराम से सीटों को डाउन करके स्पेस जो है और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेस मिल गया, यहाँ पे नीचे आपको कोई भी सॉकेट नहीं मिल रहा, यहाँ पे दिखाया हुआ है सॉकेट का ऑप्शन बट यहाँ पर मिलता नहीं है। यहाँ स्पेस मिल गया, पानी की बॉटल रख लो, यहाँ पर स्पेस मिल गया, ये चीज़ अच्छी है। ग्लास एरिया अच्छा है, यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट जो है बीच वालों से ही काम चलाना पड़ेगा, ऊपर आपको लाइट का प्रोविज़न मिल जाता है, तो फिलहाल अच्छा रहा। बाकी ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप बच्चों को बिठाइए तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, एडल्ट्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। छोटी मोटी जर्नीज़ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपको लंबा ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है थकान जो है महसूस होगी। तो फिलहाल यहाँ पर कहता हूँ कि गाड़ी जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है और एवरेज भी आपको अच्छी खासी देगी। टैक्सी पर्पज़ जो है आपका सॉल्व करने वाली है, अब जो है आपको E20 फ्यूल के साथ मिल जाती है, तो भाई गाड़ी बहुत सही है। अब इसका इंजन भी एक बार देख लेते हैं, उसको खोलने के लिए यहाँ से इसको करते हैं ओपन। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है और ये इस तरीके से खोलते हैं और अब चलते हैं इंजन बे पे। गाइज़ यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको जो है आवाज़ जो है बाहर तक नहीं आने वाली। ये रहा इसका 4 सिलेंडर वाला इंजन, K15C वाला इंजन है 1.5 लीटर वाला। और पावर की बात करूँ तो 86 जो है यहाँ पे PS की पावर निकालेगा और 121 NM का यहाँ पे टॉर्क मिल जाता है। तो भाई ये चीज़ बताऊं कि यहाँ पे अगर आप इसको CNG में ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉर्क जो है कम हो जाता है, गाड़ी हल्की सी दबती है बट एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज ये जो है 4 सिलेंडर इंजन के साथ है, तो यहाँ पे गाड़ी कम दबेगी, मतलब दबेगी ज़रूर बट थोड़ा सा जो है कम आपको फील होगा। बाकी इंजेक्टर्स वगैरह सब कुछ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, प्लेसमेंट आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है फिलहाल। तो अब इसको यहाँ से बंद करते हैं भाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो हीट है यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो ये चीज़ लगती है। फिलहाल इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा वॉक अराउंड मैंने पूरा कर लिया है। ये है नई 2023 वाली E20 वाली अर्टिगा, आपकी कैसी लगी ज़रूर बताना। और एक अच्छी चॉइस है अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप पर्सनल यूज़ में लेना चाहते हैं, बहुत ही सही रहेगी। कलर वगैरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। ओके जी।